हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है दिन सोमवार और आज है सावन का पहला सोमवार। तो आप सभी लोगों को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर हमारे यूपी में तो सावन का पहला सोमवार बहुत सावन ही पूरा बहुत धूमधड़के से मनता है और सावन के सारे सोमवार व्रत रह जाते हैं। हरी हरी सावन में हरी हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, हरी साड़ी सूट जो भी कपड़ा पहनते वो पहनते हैं, मतलब सब कुछ ग्रीन ग्रीन, बहुत ही ऑसम फीलिंग आती है। तो फिलहाल आज मेरा भी फास्ट है क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और मैंने भी फास्ट रखा है और पूरे सावन सोमवार फास्ट रखने वाली हूँ। तो कल मार्केट जाके मैं भी जो है अपने लिए ग्रीन चूड़ियाँ लेके आई थी, ग्रीन साड़ी है मेरे पास। तो सोचा है सारे काम खत्म करके शाम तक जो है ग्रीन चूड़ियाँ ग्रीन साड़ी पहनूंगी बढ़िया। और हमारे घर के पास में शिव जी का मंदिर है, बागेश्वर टेम्पल, तो वहाँ पे जाऊँगी, शिव जी के मंदिर भी जाऊँगी। फिलहाल अभी यहाँ का जो मौसम है ना, बिल्कुल सावन वाला, बारिश वाला हो रखा है। हल्की हल्की जो है बारिश हो रही है, ये देखिए नीचे गीलापन है, तो हल्की हल्की बारिश हो रही है। बिल्कुल मतलब ऐसी बारिश हो रही है ना, आप भीग सकते हो और ना ही आप उस तरीके से सूखे रहोगे, बस रिमझिम 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 बौछार जैसी हो रही है। तो फिलहाल अभी बज रहा है 12 और अभी मैं जो है ड्राइविंग क्लासेस जा रही हूँ। तो आपको पता है आज पांचवा दिन है, तो बस वहीं से मैं ड्राइविंग क्लासेस से वापस आई हूँ अभी। तो फिलहाल अभी अब जो है भूख लग रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले चलते हैं किचन में, जाऊँगी चौहान साहब के लिए जो है दोपहर का खाना और नाश्ता जो है सब उधर रेडी कर देती हूँ। उसके बाद फिर जो है अपनी किचन साफ करके फिर अपने लिए जो है कुछ व्रत वाला फलाहार टाइप का कुछ नाश्ता बनाती हूँ। तो फिलहाल चलिए सबसे पहले आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ कि आज का मौसम बढ़िया, कितना ठंडा ठंडा कूल कूल हो रखा है। फिलहाल दोस्तों अभी मैं जो है ड्राइविंग क्लासेस से वापस आ गई हूँ और जैसा कि मैंने बताया आज सावन का पहला सोमवार है। तो आज मेरा सावन का पहला सोमवार जो है मैंने भी व्रत रखा हुआ है और इस बार सावन के सोमवार जो पूरे हैं 2 महीने के हैं, 8 सोमवार हैं इस बार सावन में। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले तो जो है चौहान साहब के लिए जो है नाश्ता और खाना दोनों रेडी करने में लग गई हूँ आते ही। और जब इनका नाश्ता और खाना रेडी कर दूँगी उसके बाद फिर अपने खाने के लिए कुछ बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने गैस पे एक साइड जो है अपने लिए आलू बॉयल होने के लिए रखे हैं कि आलू फ्राई कर लूँगी और दूसरे साइड जो है चौहान साहब के लिए मैं बना रही हूँ पंचमेल मिक्स दाल के पराठे। तो जो 5 दालें मिक्स करके बनाई जाती हैं ना, तो उन्हीं के मैं पराठे बना रही हूँ। हाँ जी, तो ये मैंने 5 दालें जो है मिक्स करके बनाई थी, दाल बनाई थी 5 दालों को मिला के। तो बस कल रात में दाल बनाई थी, तो कल रात में 1 कटोरी दाल मैंने पहले ही निकाल कर रख ली थी क्योंकि ये दाल के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस इसी को आटे में अच्छे से गूँथ कर अजवाइन, नमक, गरम मसाला, चाट मसाला, हरी पत्ती, धनिया, ये सब आटे में मिलाकर और मोयन वगैरह डाल के अच्छे से जो है गूँथ लिया है। अब इनके पराठे बना रही हूँ। तो इनको आप चाहे आलू की जो है ग्रेवी वाली सब्जी होती है उससे खाओ या चटनी से खाओ, चाय से खाओ, सबसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे टमाटर, लहसुन और हरा धनिया, थोड़ा सा उसी में पुदीना, ये सब डाल के मैंने पराठे के साथ चटनी बनाई है और चाय और साथ में जो मैं अपने लिए आलू फ्राई कर रही हूँ तो इनके लिए थोड़ा थोड़ा पराठे के साथ वो भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं फटाफट पराठे बनाकर रख रही हूँ। और हाँ, तो आज जो है ना मैं फर्स्ट टाइम अपनी कार ड्राइव करने के लिए भी जाने वाली हूँ। तो जो है यहाँ पे चौहान साहब कह रहे हैं कि कार ड्राइव करने भी जाएंगे हम लोग। और जो है आज सावन का पहला सोमवार है ना, तो हमारे घर के पास में बागेश्वर मंदिर है तो मंदिर भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट जो है सबसे पहले घर के काम ख़त्म कर लेती हूँ, चौहान साहब का खाना नाश्ता रेडी कर देती हूँ, मैं भी कुछ बनाकर खा लेती हूँ, उसके बाद बढ़िया सावन के पहले सोमवार के दिन जो है बढ़िया ग्रीन ग्रीन साड़ी और अच्छे से रेडी होकर बढ़िया ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ पहन के जाऊँगी बागेश्वर मंदिर और शिव जी के दर्शन करके आऊँगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है मैं जल्दी जल्दी घर के काम ख़त्म करने में लगी हुई थी। तो फिलहाल यहाँ पे जो हमारे दूध वाले भैया हैं ना, जो भी बहुत लेट आए हैं, 1 बजे के आसपास आए हैं। मुझे तो लग रहा था कि दूध आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आज लेट आए, लेकिन दूध आ गया हमारा। तो बस यहाँ पे मैं पराठे छोड़कर आई सबसे पहले दूध लेने के लिए, और क्योंकि दूध लेना भी ज़रूरी है, अगर यहाँ पर मिस किया ना तो फिर सीधे बाहर शॉप से लाना पड़ेगा। और आज सावन का सोमवार है तो कुछ भी त्यौहार वगैरह होना तो शॉप पर भी दूध जल्दी नहीं मिलता। तो बस यहाँ पर दूध लेकर आ गई हूँ और एक साइड दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और दूसरी साइड में फटाफट जो है जल्दी जल्दी हाथों से
पराठे सेक रही हूँ। और एक साइड देखिए यहाँ पे पराठे बन गए हैं। और ये चौहान साहब के लिए जो है ना, मैंने खाने से पहले ये अंकुरित मूंग है, अंकुरित चना और अनारदाने का जो है बढ़िया नाश्ता बनाया है कि खाने से थोड़ी देर पहले इनको ये दे देती हूँ ना, तो ये खाएंगे तो इसके बाद जो है ना, इसको खाने के बाद भूख और अच्छे से लगा। चौहान साहब का जो है दोपहर का जो खाना है वो रेडी करके रख दिया। और चौहान साहब के लिए आज मैंने दोपहर में खाने में बनाया है मिक्स दाल के पराठे। तो आप सोच रहे होंगे मिक्स दाल के पराठे, तो हाँ जी, तो जो मतलब अरहर मसूर उड़द चना ये सारी दाल मिक्स करके दाल बना के उनको बढ़िया हींग जीरा मिर्च से तड़का दे के, जो कि कल मैंने रात में बनाई थी दाल, तो वो दाल एक कटोरी रखी हुई थी, तो उसको फिर जो है ना मैंने थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा मैदा मिक्स किया और उसमें जो है फिर दालें डाल के मेथी पाउडर और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और अजवाइन हींग और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के बढ़िया आटा गूंथ के बढ़िया आपने देखे ऑसम टेस्टी पराठे बनाए। तो फिलहाल और ये तो उनका खाना हो गया और नाश्ते में इनको दिया है मैंने मूंग और अनार के दाने जो कि आपने देखे ही। तो फिलहाल चौहान साहब का जो है खाने पीने का मैंने पूरा बंदोबस्त पूरा इंतजाम अच्छे से कर दिया है। चलिए एक साइड मैंने अपने लिए गैस में ना जब पराठे बना रही थी तो मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं, तो फटाफट एक कप चाय बनाती हूँ एक साइड में और साइड में आलू फ्राई करती हूँ। आलू और मूंगफली दाना डाल के आलू फ्राई करती हूँ क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है। थोड़ा सा खाऊं तो थोड़ा सा दिमाग काम करे, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। साहब का जो है नाश्ता खाना सब रेडी करने के बाद अब अपने लिए मैं यहाँ पे व्रत वाले जो है आलू फ्राई कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे आलू सिंपली तरीके से ही आलू फ्राई कर रही हूँ, थोड़े से आलू है, मूंगफली दाना है, हरी मिर्च, बस इतना। इसी को जो है घी में अच्छे से कुरकुरा कुरकुरा फ्राई कर लूँगी और चाय के साथ खा लूँगी। फिलहाल पूरा दिन ऐसे जो है निकल जाएगा, उसके बाद शाम को देखूँगी कुछ और बनाऊँगी फिर। तो यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी मैं सारे काम निपटा रही थी कि मुझे जो है मंदिर भी जाना है और आज मैं बड़ी एक्साइटमेंट थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था मुझे कि आज मुझे मंदिर जाना है दर्शन करने के लिए। और ये भी लग रहा था कि मंदिर में आज बहुत भीड़ होगी और देखो दर्शन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है मैं अपने लिए पूरा पहले प्रॉपर मैंने अपने लिए अच्छे से नाश्ता रेडी किया क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी। सुबह से मैंने भी चाय के अलावा कुछ भी नाश्ता नहीं किया है, तो बस यहाँ पे फटाफट जो है मैंने अपने लिए बढ़िया कुरकुरे कुरकुरे आलू फ्राई किए और एक तरफ इधर जो है चाय बन रही है क्योंकि पराठों के साथ में चौहान साहब को और शशांक को भी चाय चाहिए थी और मैं अपने लिए भी आलू के साथ जो है चाय बना रही थी। क्या ना नमकीन आलू के साथ चाय वगैरह रहता है ना तो खाना कंप्लीट लगता है। तो बस यहाँ पे मेरा भी नाश्ता वगैरह रेडी हो गया और अभी जो है नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर निकलेंगे वागेश्वर मंदिर के लिए। और फिलहाल मौसम भी बहुत ठंडा है, अच्छा है। तो बस यहाँ पे जो है नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ और अब जा रहे हैं हम लोग मंदिर के लिए। सो गाइस, तो फिलहाल अभी बच चुका है शाम का 4 और अभी देखिए ग्रीन 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 अब लग रहा है, सावन का पहला सोमवार है। तो फिलहाल अब हम लोग जा रहे हैं वागेश्वर मंदिर। और चलिए देखते हैं वागेश्वर मंदिर में भी आज सोमवार है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो देखते हैं कितनी भीड़ है, दर्शन आराम से मिलते हैं या क्या, कैसा वहाँ का माहौल है। फिलहाल दोस्तों आ चुके हैं हम लोग वागेश्वर मंदिर। वागेश्वर मंदिर शिव जी का मंदिर है ये और बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो फिलहाल आज सावन के पहले दिन जो है, सावन के पहले सोमवार के दिन मैं आई हूँ मंदिर और बढ़िया मैंने पहनी है ग्रीन कलर की बढ़िया ग्रीन लाइट वेटेड साड़ी, ग्रीन चूड़ियाँ और बढ़िया ग्रीन ग्रीन सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है। सावन में ना ग्रीन वगैरह, ग्रीन चूड़ी, ग्रीन साड़ी, मेहंदी लगाओ, ये सब ना एक अलग ही फीलिंग देता है, एक और अलग ही खुशी मिलती है इन सबको करके। तो फिलहाल ये है हमारा वागेश्वर मंदिर। तो दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ सावन के पहले सोमवार के दिन हमारे वागेश्वर मंदिर का जो है दर्शन कर लीजिए और शिव जी का दर्शन कर लीजिए। तो ये मंदिर है, यहाँ पे जो है ना आके इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है, क्या बताऊँ। और आज के दिन ना वागेश्वर मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। पहले तो चौहान साहब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, दर्शन नहीं मिलेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर जो है इतनी ज़्यादा जो है भीड़ नहीं लगी। तो लाइन में लग के थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन लाइन में लग के फिर हम लोगों ने दर्शन किए। और ये मंदिर ना इतना सुंदर लगता है ना, इसमें आप फ़ोटो वीडियो भी लीजिए ना तो उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, वो तो आप सामने से देख ही रहे हैं। और ये मंदिर भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ से फिलहाल ये मंदिर का जो है मेन द्वार है, इसके अंदर जाके जो है बीच में सबसे पहले तो जो है नंद कछुआ है और कछुआ को स्थापित किया हुआ है। और उसके बाद अंदर जाके सामने जो मेन द्वार दिख रहा है ना, वहाँ पे शिव जी की शिवलिंग है। और वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मत्था टेकना भी बड़ा मुश्किल था, बस शिव जी को
छू के जो है प्रणाम कर लो, उनका आशीर्वाद ले लो, बस इतना ही काफ़ी था। यहाँ पे ये देखिए कछुआ विराजमान है, तो यहाँ पे इनकी भी पूजा होती है। और इनके आगे और बढ़ते हैं तब वहाँ पे शिव जी का शिवलिंग रखा हुआ है। और आज मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन फ़िलहाल दर्शन करके भी बड़ा सुकून मिला, बड़ा आनंद मिला। तो फ़िलहाल ये है हमारा वागेश्वर मंदिर के बैक साइड का एरिया, पीछे का एरिया। तो फ़िलहाल अभी हम लोग जो है दर्शन करके मंदिर के बाहर आ गए हैं। दोस्तों अभी हम लोग जो है मंदिर में दर्शन करके अब जो है वापस घर जा रहे हैं। करीब शाम का 5:30 बज रहा था और चौहान साहब को 6 बजे से अपना ऑफिस भी लॉगिन करना है, तो मंदिर में दर्शन किए और अब वापस घर निकल रहे हैं। और आज मंदिर आके बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ा सुकून मिला और हम लोगों ने अच्छे अच्छे फ़ोटो और वीडियो भी लिए यहाँ पे। तो फिलहाल घर आ गई मैं, और घर आकर मैंने सबसे पहले बनाई चाय, क्योंकि थोड़ी थकान लग रही थी, तो लगा थोड़ी पहले जो है चाय वगैरह बनाकर पी लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी के काम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बताइए मुझे आपकी, मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है? तो फिलहाल ये साड़ी ना मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी। ये साड़ी मुझे मेरी बड़ी मामी ने दी है, तो मैंने इसको आज फर्स्ट टाइम मैंने इसको तैयार करवा के रखा हुआ था कि मैं इसको सावन में जो है निकालूंगी और सावन में पहनूंगी। और ये साड़ी मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी सुंदर लगी, और ना काफ़ी लोगों ने तारीफ़ भी करी कि मेरी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। तो फिलहाल ग्रीन साड़ी और ग्रीन चूड़ियाँ बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, बस हाँ मेहंदी नहीं लगाई थी क्योंकि मेहंदी लगाने का टाइम नहीं मिल पाया था। तो दोस्तों एक बार फिर से चलते चलते आप सभी लोगों को सावन की बहुत बहुत मुबारकबाद, और भोले बाबा आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे जी।